प्रेम शांति का परिचय दीजिए। हम वादा और उम्मीद बल्कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों की नींद को हराम नहीं होने देंगे। दिल लगा कर मेहनत से काम करेंगे और सुबह जब आप उठेंगे तो हंसते और मुस्कुराते हुए अपने घर जाएंगे। यही हमारी उम्मीद और यही हमारी सोच है। क्या कहना है मास्टर जी? नौरे हक समेला ही को बुझा सकता है कौन, जिसका हमें है खुदा उसे मिटा सकता है कौन। शर्त हरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या प्यारा हम सब मिल गया ये आज खुशी की मुबारक बात हमारे राज दरबार के परम सम्मानित महामंत्री दुर्जन सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए और प्लस एक एक साड़ी देकर के दरबार से रुख्सत किया जाए। चाहे तू हरामी। जी सरकार। जाओ और खजाने से इन कंचनियों को 500 रुपए वही एक साड़ी देकर इन्हें मैल से रुख्सत किया जाए। शशि अज्ञा स्थान ग्रहण करें। एक कंचनियों आओ हमारे साथ, एक एक करके बारी बारी से आओ, सम्राट को आदाब करते हुए चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने वतन जाओ। जाओ।
महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आपसे प्रजा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सम्राट, ये मंत्री दुर्जन सिंह आपका ताबेदार, आपका गुलाम है। कहिए सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? बल मंत्री वार बदलाए समाचार मैं प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? सम्राट, हम जरूर आपको प्रजा का सारा हाल बताएंगे। तो समाचार और समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे समरा। ओ समाचार सब ठीक है, मेरे महाराज, प्रजा में देखो और प्रजा में देखो चारों तरफ होती जय जय। सम्राट, आपके नाम की चारों तरफ जय जयकार होती है और आपकी ये प्रजा खाने और कपड़े से खुश है। बहुत खूब राजमंत्री, हमें आपसे यही उम्मीद है। हम जानते हैं कि जब तक तुम्हारे जैसे नौजवान रहेंगे हमारे सूरगर रियासत में, हमारी प्रजा को कष्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, स्थान ग्रहण करो। दरबारियों आगे आओ। कई राजन, जाओ तत्काल फोन करके सेनापति करण सिंह को बुलाया जाए, क्योंकि उनसे कुछ विशेष बात करना है। जैसी आज्ञा राजन। निलो बेटा, मोबाइल लेकर के आओ। सेनापति जी का कितना नंबर है बेटा? 10। 10 नंबर तो होते हैं, हम कहां 11 बता रहे हैं। चल लगा रहे एक नंबर, अंजदुए कहो लगा दे। अंजदुए नंबर नहीं लगा रहे सर, 112 नंबर पहुंच चिल्लाएगी। चल लगा रहे हैं। डायल में देखोगा? डायल में लगा है यार। ओके कर दे। हेलो हेलो हेलो,
कौन? मैं सीमा सरहद सेना पसेना नायक करण सिंह बोल रहे। जय हिंद सर। जय हिंद। कौन? मैं रात दरबार से चैतू हरामी बोल रहा हूँ। चैतू हरामी जी सर। इतनी रात में अचानक फोन करने का सबब क्या है? सर ऐसी बात है, महाराज ने आपको रात दरबार में शीघ्र ही याद किया है। क्या सम्राट ने मुझे राज दरबार में शीघ्र याद किया है? जी सर। ठीक है, सम्राट से कहो जी इसे ना नायक करण से राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। जी सर। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। रख दे। सेनापति करण सिंह, आप तो जानते हैं जब कोई विशेष काम पड़ता है तो हम तुम्हें याद करते हैं, और अचानक बुलाने का कारण क्या है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। क्या कुछ तमन्ना वो भाई दिल में मेरा, कुछ तमन्ना चलो जंगल में आके करने को, अब चलो जंगल में आके करने को, अब बस सीधे बुलाते हाज खिदमत में सरकार की, बंदा हाजिर है खिदमत में सरकार के, बंदा हाजिर है खिदमत में सरकार के, क्या इजाजत है मेरे लिए बोली, क्या करना मुझको पड़े इस घड़ी, काम क्या मुझको करना पड़े इस घड़ी, आज दिल आप तो फिर सेनापति करण सिंह,
आप उतनी दूर से चल करके आए हैं, आप थक गए होंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरबारियों कुर्सी लगाई जाए। महामंत्री दुर्जन सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह कहिए सम्राट। जाओ तैयार, दो घोड़े तैयार किए जाएं। अवश्य चैतु हरामी जाओ और दो घोड़े तैयार कर दो, क्योंकि शिकार खेलने जाना है। एक घोड़ा महाराज का और एक घोड़ा मंत्री दुर्जन सिंह। ठहरो, एक घोड़ा मेरे लिए, एक घोड़ा मेरे लिए और एक घोड़ा सेनापति करण सिंह के लिए। वो इसलिए कि आप तो जानते हैं कि 24 घंटे सीमा सरहद पे तैनात रहता है। अरे उसका तो भी दिल उब गया होगा, कम से कम मेरे साथ शिकार खेलने के लिए जाएगा और उसका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन सम्राट, आज तक तो शिकार खेलने आपके साथ में हम जाते थे, लेकिन क्या मेरा निशाना चूकता है या फिर हमारे पाजों में ताकत नहीं है जिसके कारण आप मुझे नहीं सेनापत को साथ ले जाना चाहते हैं? महामंत्री, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि तुम्हारा निशाना भी कमजोर नहीं है, तुम्हारे पाजों में ताकत भी है, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करो और हमारे तालीम की जाए। आपके हुक्म की तावील करना मंत्री दुर्जन सिंह का फर्ज है, हम आपके हुक्म का पालन करेंगे। और सेनापति करण सिंह, चलिए चल करके तुम अपनी तैयारी करो। जाओ जाओ। दरबारियों दरबारियों के सम्राट, क्या कहिए? मेरा बेटा बीर सिंह कहां पे है और कहां पे नहीं है महाराज? क्योंकि उस दिन जब से 1500 रुपए ले गया है तब से हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली है। आखिर उसकी पढ़ाई कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही, मैं जानना चाहता हूँ। वो तो कॉलेज गए हैं। हाँ हाँ, मैं यही तो बात पूछ रहा हूँ कि काफी दिन हो गए और अभी तक वो कॉलेज से आए नहीं है। अभी नहीं आए महाराज, वो ट्यूशन में पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ते होंगे जी महाराज, ट्यूशन लगा रखे हैं ना। एक काम करो, कहिए दरबार यही पे समाप्त करो। जैसी आज्ञा। और दरवाजे का मेन गेट बंद किया जाए। गेट बंद, रात दरबार का मेन गेट बंद कर दो। देखे रे, देखे सहरिया फाट पर रहा है खोपड़ी बाबा है, ये कहो बता दी। निरहु बेटा, काका यार तुम का कहन कलहमा लगा रहे हो, गिरी से यार लगाए नहीं यार। हमें कल तुम चले गए रहे यार, रहे कहाँ? चैनर फंस जाते ना, टाइम नहीं मिलती यार, नहीं लगा देता मैं। चलो क्या है, कहने गए हैं यार। एक बात ये बताओ, आए हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कि यार शिकार खेलने हमेशा महाराज मंत्री को ले जाते थे फिर, लेकिन अचानक आज क्या बात है जो महाराज सेनापति को ले जा रहे हैं? देखो काका है? ये महाराज के दिल और इच्छा की बात है। हाँ? अगर महाराज ने कहा सेनापति को नहीं तो हमें तुम्हें कह देते हरामी निरहु हरामी। हाँ? शिकार खेले तुम्हें चलना है तो हम दोनों चलते, लेकिन जो महाराज का आदेश है जिससे
वही जाएगा। जब सेनापति को कहे सेनापति जाएंगे, अब मंत्री कहते हैं मंत्री जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए यार, क्या जैसे महाराज देखे जैसे जैसे महाराज ने सेनापति को तैयार होने को कहा, क्या ने? वैसे ही मंत्रिया भखुरी गया यार एकदम। एरिया भखुर का सारे हम तो बारह उछा ले यार, सोचे सारे का बार उखाड़ लिया ले ले गुब्बारा। चिंता ना करो, धीरे धीरे उछाल ले सब जेब में भरत जखा ली बस। चलो चलते हैं, ये है बड़ों की बात, बड़ों की बात है। और कहते हैं निरहु हरामी, कहते हैं कि बड़े की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, चाहिए। आगे पड़े तो हुरा जाए, पीछे पड़े तो थुरा जाए। इसलिए कहना क्या है, कहना क्या है, चलो तुमको एक हम फगुनी सुनाते हैं। कहाँ के है? फगुआ, फगुआ कहाँ के है? अपने डलमऊ क्षेत्र का सुनाते हैं। कैसे है? क्योंकि हम डलमऊहा हैं। क्या नहीं? पहले वालों ने कहा सौ लखनऊआ एक डलमऊहा। चलिए अपने क्षेत्र का हम तुम्हें फगुआ सुनाते हैं। कैसे? पहले क्या है, अबे झिकवा का होगा, अबे झिकवा, झिकवा छोड़ साले सहरी पकड़ो। सहरी? हाँ मास्टर ढोले। अरे चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, और भौजी तोरे अंगना चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, भौजी तोरे अंगना चंदन वहीने चंदनवा की लंबी लंबी पत्तियां, वहीने चंदनवा की लंबी लंबी पत्तियां, हो लंबी लंबी पत्तियां, हो लंबी लंबी पत्तियां, वहीने लंबी पत्तियां, हो लंबी लंबी पत्तियां, सीजा भौजी सीजा वो हो, सीजा भौजी
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हो रहा है? हम हंस रहा हूँ। तुम हंस रहे हो तो कुछ नहीं हुआ, हम हंस दिए तो मार दिया। कैसन हंसा जाता है रे? तुम ही तो हंस रहे हो। हमरे हंसाई तो चिढ़ाता है, जानता नहीं कि मेरा नाम ठाकुर दुर्जन सिंह है। और ठाकुर दुर्जन सिंह के नाम से ये सारा जहान कांपता है, बच्चा बच्चा कांपता है। अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जा, सो जा बच्चे सो जा, नहीं साला भिड़ा जा। हम तेरे को भिड़ा लकड़ बांधा दे। ये बता, वो जो तेरा साथी था वो ससुराल कहाँ गया? कहाँ है वो? तो उधर है। किधर? इधर। किधर है? उधर, उधर। ओ ससुरा इशारा मार रहा है। साले हंसाई हंसता है या छेगड़ियों को बुला रहा है? यार हंसनी खराब चल रही है। मैं कह रहा हूं निरहुआ तो साला बोलता है बेटा, करे हम तोहरा बेटा लागत है रे। कौन ससुर कह रहा है? तेरा मुंह कह रहा है? आप या बताओ कहे साने। गुनही तो साले हम महिला साने हैं। इधर आओ, गुस्साने बोला करो। साले ने वो थप्पड़ मारेंगे सारी बत्ती सी बाहर हो जाएगी। सोच नहीं साले, हम हाज नहीं। हमको पढ़ा रहा है, हम बच्चा बानी जो हमरा के बोल रहा है कव्वाली गा रहा हूं। साले काट कर फेंक दूंगा साले चचोंदर की औलाद। अरे
हमने तेरे को बताया ना कि हम ठाकुर जरा दूजे किस्म का है, हम लोग तीसरे किस्म के, तीसरे चौथे किस्म का।